नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं विदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। एक और पाकिस्तान से बातचीत पटरी पर लौटने की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर आतंकी संगठन जमात उत दावा के प्रमुख हाफिज सईद ने मुंबई हमलों को लेकर भारत को चुनौती दी है। हाफिज सईद ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कह रहा है कि पाकिस्तान सरकार ने सुषमा स्वराज से कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जवाब देता हूं। मुंबई हमले को 7 साल हो गए, लेकिन भारत साबित नहीं कर पाया और कयामत तक साबित भी नहीं कर पाए। सऊदी अरब के इतिहास में सरकारी स्थानीय निकाय चुनावों में पहली बार महिलाओं के मतदान देने और चुनाव में खड़े होने के एक दिन बाद मतदाताओं ने 20 महिला उम्मीदवारों को इन चुनावों में चुना है। चुनाव में विजयी रहने वाली महिलाएं सऊदी अरब के सबसे बड़े शहर से लेकर इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल के निकट स्थित एक छोटे से गांव तक देश के विभिन्न हिस्सों की निवासी है। रूस ने कहा है कि एजियन सागर में उसके एक युद्धपोत ने तुर्की की एक मछली पकड़ने वाली नौका पर चेतावनी के तौर पर फायरिंग की है। रूस के अनुसार ये कार्रवाई टक्कर को टालने के लिए की गई। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि तुर्की की नौका सिर्फ 600 मीटर दूर रह गई थी और वो रूसी फायरिंग के बाद वापस लौट गई। इस घटना को लेकर मॉस्को में तुर्की के सैन्य अटैशे को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया है। हाल में तुर्की ने रूस के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं। लॉस एंजलिस के एक लग्जरी होटल में गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस हमलावर की तलाश कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि फ्लावर स्ट्रीट के द स्टैंडर्ड में गोलीबारी कल देर रात करीब 2:30 बजे शुरू हुई। 4 घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई और अन्य की हालत स्थिर बताई जा रही है। टीवी रिपोर्टों में दरवाजों के टूटे हुए शीशे और खून से लथपथ कपड़े दिखाए गए। ये तत्काल स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पीड़ित होटल में रह रहे थे या नहीं। गोलीबारी की घटना के बारे में अभी संक्षिप्त जानकारी ही मिल पाई है। पाकिस्तान के कबायली इलाके कुर्रम एजेंसी में एक भीड़ वाले बाजार में हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान सेना के अधिकारियों के अनुसार पराचनार में कपड़ों के एक बाजार में हुए इस धमाके में 77 लोग घायल भी हुए हैं। रिपोर्टों में कहा गया है कि धमाके के सिलसिले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पराचनार अफगान सीमा के करीब है और वहां रहने वाले ज्यादातर शिया हैं, लेकिन इसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में अलग अलग समुदायों के लोग रहते हैं और वहां शिया और सुन्नी समुदाय के बीच शांति कायम करने की कोशिशें आमतौर पर नाकाम साबित हुई हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMS TV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।